हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ आपकी संजय दो और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, मैं आप सबसे उम्मीद रखती हूँ आप सब जहाँ रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और सबका परिवार हंसी खुशी रहे। तो आप लोग से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या कहूँ दोस्तों, वही बात है कि छोटी मोटी बात सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए। तो आप सबसे बस मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए। और बताइए, मैंने एक वीडियो देखा कि मालती दीदी के इंसाफ के लिए बहुत सारी किन्नर आई थी, वो भी बिहार की। तो जैसे वो लोग हिम्मत रखे हैं, अगर वैसे सारे यूट्यूबर हमारे, सारी फैमिली, सारी जनता हमारी अगर न्याय दिलाने के पीछे पड़ जाए तो न्याय तो मिलना ही मिलना है। तो कोई उसमें पीछे हट रहा है, कोई आगे चल रहा है, और ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर जैसे हमारी किन्नर समाज की दीदी लोग आई हैं और मालती के इंसाफ के लिए धारणा बनाई हैं, दहाड़ रही हैं, चिल्ला रही हैं, थाने पे जाकर आना जाना कर रही हैं, अगर उनको इंसाफ मिल जाएगा तो युवराज की आत्मा को तसल्ली रहेगी। हाँ, और सारे पब्लिक को और मालती को भी तसल्ली रहेगी कि मेरे आत्मा को मेरा कातिल मिल गया। तो कातिल को ढूंढो क्यों ना आज एक मालती गई है। अगर ऐसा ही हमारे समाज की प्रशासन जनता रहेगी तो दूसरी मालती ही ऐसी जाती रहेगी। तो कोई किसी का गैर नहीं करेगा, कोई किसी का फिक्र नहीं करेगा। आज वो गरीब पिता है तो उसका केस दबाया जा रहा है। अगर आज यही अमीर की बेटी होती तो केस नहीं दबाया जाता दोस्तों। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँ कि जैसे हमारे किन्नर समाज की दीदी लोग आई हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी उनके न्याय के पीछे जाइए, उनको इंसाफ दिलाइए। और देखो, वो तो जहाँ की थी तहाँ चली गई, उसका बना या बिगड़ा कुछ भी हुआ अब तो उसका परिवार टूटा, पर उसके बेटे का जिंदगी का ख्याल रखो। आप लोग अगर विष्णु भैया निर्दोष हैं तो उनको छुड़वाइए, और जो दोषी है, अर्जुन दोषी है, तो जहाँ तक कि माना जाता है कि अगर अच्छा खासा एक किसी का परिवार चल रहा है, अगर बीच में वो नहीं आया होता तो आज ये ज़िंदगी नहीं होती, आज युवराज बाबू बिना माँ का नहीं होता। और किसी को मैं यही बता रही हूँ, यही कह रही हूँ, अगर किसी का परिवार चल रहा है तो उसके बीच में किसी को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी का परिवार नमक रोटी खा के जी रहा है तो घर से उसको सहारा दीजिए और किसी के परिवार में बाधा ना डालें। देखो, वही हाल है कि आदमी कहता है कि लेडीज चुड़ैल है, तो अगर अपने पे आ जाते हैं तो यही नतीजा होता है। तो ऐसा हम अपने फैमिली से कहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, युवराज बाबू को इंसाफ दिलाया जाए, मालती को इंसाफ दिलाया जाए, और उन जो दीदी हमारी किन्नर समाज की हैं वो लोग आई हैं तो उनके साथ आप लोग रहिए। और हमारी गोरखपुरी भौजी दहाड़ रही थी, तो अब उनके साथ लगे रहो। और भौजी, हम तुमसे कह रहे हैं कि आप उनके साथ लगे रहो। अगर शुरू से सहायता करी, हेल्प करी, सबका गाली सुनी, सबका सब कुछ सुनी, धमकियाँ सुनी, तो अब भी सुनो। लेकिन अगर उस चीज़ में जाके तुम घुस के बदनाम हो गई हो कि सारे लोग करें गोरखपुरिया भौजी गलत है, गलत हो या सही हो, अगर पहले से तुम इतना धक्का संभाल ली, इतना सहते सुनते चली आई, तो अब तक उनका जाके इंसाफ दिलाओ। अगर इंसाफ नहीं दिलाओगे तो सारे यूट्यूबर, सारे लोग, सारे फैमिली आपको ही गलत कहेंगे। तो आप जैसे पहले से लगे थे अब भी लग जाओ और उनका इंसाफ दिला के ही रहो। जब इतना अपने मन में चेष्टा रखी हो तो इंसाफ दिला के रहो, ताकि हाँ जाने कि एक लेडीज़ की क्या हिम्मत थी। सारे हमारे भैया लोग जो है वो लोग पीछे हट गए, हमारे मीडिया वाले भी भाई इंटरव्यू के पीछे, तो उनका तो कोई कहना जाना है नहीं। और अगर आप इंसाफ दिला सकते तो आप उनके साथ रहो, आप उनका साथ दो, और इंसाफ तो मिलना चाहिए। और शांति दीदी का रोना देख के तो बहुत दर्द हो रहा था। अब उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है, जो बीत रहा है तो बीत रहा है, बस बच्चे का मुंह देखिए आप लोग, उनको इंसाफ दिलाइए। और क्या कहूँ दोस्तों, यही है, मरने के पीछे कुछ न्याय नहीं मिलता है। आदमी कहता है कि हाथी चली जाए कुत्ता भुगता रहता है, वही हाल है। मालती तो जहाँ थी तहाँ गई, उसका परिवार उजड़ गया,
अब उसमें मज़ा लेने वाले बहुत मज़ा ले लिए, बहुत सब कुछ कर लिए, और वही मरने के पीछे कुछ नई नया निकला। ये रिपोर्ट निकला, वो पीएम का रिपोर्ट आया, कुछ भी नहीं रिपोर्ट में निकला, बस बहानेबाजी कर रहे हैं और इंसाफ दिलाने की कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दोस्तों कितना भी धरना लगा लो, कुछ भी, हमारी प्रशासन तो एकदम बिक गई है, अंधी हो गई है, हम जैसे लेडियों का कद्र नहीं कर रही है। अगर ऐसे ही होता रहेगा हमारे समाज में तो हम लोग का जीना हराम हो जाएगा। एक लेडीज अगर कोई उसका सहारा देने वाला नहीं है तो वो नहीं जी पाएगी। ऐसे तो हमारी शासन प्रशासन हो गई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गोरखपुरिया भौजी, आप जाइए और उनके साथ आप भी रहिए और उनको इंसाफ दिलाइए। जो हमारी महिला समाज की नाराएं हैं, आप उनके साथ लगे रहिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी। और हमारे फैमिली को हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, शेयर करिए ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे से हमारे ब्लॉग में गलती है तो आप लोग क्षमा कीजिए और प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइए। और जो उनके नज़दीक हैं, जैसे मालती दीदी के मायका से करीब हैं, जो उनके माने जाने हैं, आप लोग जैसे ही युवराज का सपोर्ट करते आए हो वैसे ही करना। अगर वो बाबू बड़ा हो जाएगा तो वो भगवान देखेगा कौन किसके साथ कैसा किया है। आप लोग वैसे ही सपोर्ट करना। अमरनाथ भाई कितना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों के, मतलब वो छोड़ के नहीं गए, सारे लोग भाग गए लेकिन वो नहीं गए। तो ऐसे ही उस बच्चे का सपोर्ट करना, इसको उसको एहसास ना हो कि मतलब हमारी माँ नहीं है इस दुनिया में, तो ये सब एहसास ना हो। बस तक बच्चा है, अभी भूलेगा नहीं। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कर लेना, जब भी तो पब्लिक को अच्छा लगेगी। और एक सोचो कि आज व्यूज कमा रहे, मालती से व्यूज कमाया गया, अब इनसे युवराज से व्यूज कमाया जा रहा है, ऐसा ना हो। और आप लोग उनके सपोर्ट में रहो, उनकी दुख परेशानी देखो, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँ। चलो दोस्तों नमस्कार, आगे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी, जैसा होगा आप लोग को न्यूज़ मिलता रहेगा।